फ्रेंड्स, ये है पल्सर 135। सबसे पहले तो मैं आप इसका स्पार्क प्लग ओपन करता हूँ और ओपन करके ये चेक करता हूँ कि इसमें कैसा कार्बन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका स्पार्क प्लग खोल दिया है और आप देख लीजिए कैसा कार्बन आ रहा है। कुछ इस तरीके का कार्बन आ रहा है। अगर मैं इसको दिन की रोशनी में देखता हूँ तो कुछ इस तरीके का आता है कार्बन। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कार्बन जो है वो सफ़ेद आना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ब्राउन होना चाहिए, तो फ्लैश में आपको वो वाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये अगर आप दिन की रोशनी में देखेंगे तो आपको लाइट ब्राउन कलर का दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि कितने टर्न्स पे ये सेटिंग इसकी कार्बोरेटर की है। जैसे आप देख पा रहे हैं सामने ये जो स्क्रू आपको दिख रहा है, ये BC स्क्रू होता है, वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू। ठीक है, इसका काम क्या होता है, फ्यूल की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि ये CB कार्बोरेटर है। इसमें जो स्लाइड है वो एयर एयर का जो सक्शन होता है उस पर चलती है स्लाइड इसकी। ठीक है, तो अब मैं चेक कराता हूँ आपको। तो गाइस, ज़रा ध्यान दीजिएगा इस स्क्रू पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 टर्न्स से थोड़ा सा ज़्यादा खुला था ये, यहाँ पे था। मेरी बाइक में सेटिंग जो है वो इस जगह पे आई थी, इस जगह पे, और फुली क्लोज जो है वो यहाँ पे हो रहा है इसका, ये स्क्रू। ठीक है, तो यानी मतलब 7 टर्न्स इसकी सेटिंग है, 7 हाफ़ टर्न्स, 3.5 टर्न्स इसकी सेटिंग है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी बाइक में जो है वो 2.5 सेटिंग होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 2 टर्न सेटिंग होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैंने 2014 की आपको बात बता रहा हूं, एक बार सर्विस सेंटर को विज़िट किया था मैंने, तो वहां पे मैंने देखा कि एक 100T बाइक आई हुई है, एक डिस्कवर 100T बाइक आया करती थी उस समय। तो उसमें जो ओनर था वो माइलेज की प्रॉब्लम से परेशान था, तो मैंने वहाँ पे एक चार्ट देखा जो सर्विस सेंटर्स को प्रोवाइड किया जाता है। सर्विस मैनुअल तो इन लोगों को प्रोवाइड की जाती है, उसके साथ साथ कुछ चार्ट्स भी इन लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें गाड़ियों के जो मॉडल नेम है और उसमें कौन सा कार्बोरेटर लगा हुआ है और उसकी कितनी सेटिंग होती है और कितने RPMs पे, ये उस पर मैंशन किया गया था उस चार्ट पे। तो मैंने पल्सर 135 का उसमें चेक किया था, तो उसमें जो सेटिंग थी, जैसे इसमें UCAL BS26 कार्बोरेटर है ये, ठीक है, मॉडल नेम जो है कार्बोरेटर का लिखा हुआ था, और उसकी जो सेटिंग थी वो 1 फुल टर्न से 4 फुल टर्न्स के बीच में थी, और साथ ही साथ इसका जो RPM था वो 1400 प्लस माइनस 100 RPM इसका जो है आइडलिंग स्पीड थी। ठीक है, तो ये जो सेटिंग है ये 3.5 टर्न्स है, तो ये 1 फुल टर्न से लेकर जो 4 फुल टर्न्स वाली जो मैंने लिमिट बताई, तो बिल्कुल उसके बीचों बीच में ये आती है, तो ये बिल्कुल सही सेटिंग है। अब आपको बताता हूँ कि ये जो सेटिंग है ये आपको कैसे अचीव होगी, तो जो मैं बजाज का तरीका है वो बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको जो है वो इंजन को गर्म करना है, 5 से 6 किलोमीटर आपको बाइक चला के आनी है, 5 से 6 किलोमीटर इनकी जो सर्विस मैनुअल है उसमें मेंशन किया गया है। कुछ लोग 1 या 2 किलोमीटर चलाते हैं, तो 5 से 6 किलोमीटर ही आपको चलाना है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में कि उसका क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, 5 से 6 किलोमीटर चलानी, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फुली क्लोज़ करना, जैसे ये इस समय फुली क्लोज कंडीशन में है, और फुली क्लोज करने के बाद इसे क्या करना है, 1.5 टर्न्स खोलना है। जैसे आप देख लीजिए 1 2 3, यानी 1.5 टर्न्स आपने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब क्या करना है, उधर से जो इसका जो आइडलिंग स्क्रू है वो राइट हैंड साइड पे होता है इस कार्बोरेटर में, तो आपको क्या करना है, वहाँ से इसकी जो आइडलिंग है वो 1400 RPM आपको रखनी है। अब क्या करना है, आपको हल्के हल्के इसको ओपन करना है। ठीक है, ये जो सेटिंग है, जैसे आपने सपोज़ करो इतना ओपन किया, यानी 0.25 आपने ओपन किया यहाँ पर से, या हाफ़ टर्न आपने ओपन किया, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आइडलिंग इसकी बढ़ेगी, 1400 RPM आपने सेट कर रखी थी, तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आइडलिंग बढ़ जाएगी, ये तो आप जानते ही हैं। तो जैसे ही आइडलिंग बढ़ेगी आपको तुरंत उसको कम करना है, तुरंत उसको 1400 RPM कर देना है। जो दूसरा मेथड है जो आपने अब तक
मतलब कई वीडियोस में आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है एक साथ फिर आइडलिंग कम कर दी जाती है। इसमें क्या हो क्या है कि लगातार आपको आइडलिंग कम करनी है, मतलब इन दोनों की जो सेटिंग है, इस VC स्क्रू की और जो आइडलिंग स्क्रू है आपकी बाइक में, उन दोनों की सेटिंग जो है वो साइमल्टेनियसली होनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसे ओपन कर रहे हैं हल्का सा आइडलिंग बढ़ रही है, और आप क्या कर रहे हैं उस आइडलिंग को एडजस्ट करके 1400 RPM पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, एक टाइम पे आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इसको हल्का सा ओपन किया, इस स्क्रू को हल्का सा ओपन किया, तो क्या होगा कि आइडलिंग इसकी ड्रॉप हो जाएगी। तो जहाँ पे आइडलिंग ड्रॉप हो जाए बस वहीं पर ही आपको सेट कर देना है कार, जहाँ पर आइडलिंग ड्रॉप हो रही है बस, तो उसी पॉइंट पे आपको सेट करना है जिस पॉइंट के बाद से आइडलिंग ड्रॉप हो रही है। उसी टाइप से मैंने इसको सेट किया है और ये सेटिंग मुझे अचीव हो गई। अब आपको उसके इसका फ़ायदा बताते हैं, इसका बेनिफिट्स आपको बताते हैं कि इस टाइप से कार्बोरेटर अगर आप सेट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो गाइस, जो मैंने ये मेथड आपको बताया है कार्बोरेटर सेटिंग का, इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको एक तो सेटिंग बहुत आसानी से अचीव हो जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा रेस हाई होती नहीं है, जब भी रेस हल्की सी बढ़ती है तो उसको तुरंत एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इससे कोई भी जो पहली बार कार्बोरेटर सेट कर रहा है बंदा, तो बहुत आसानी से कार्बोरेटर सेट कर सकता है। ठीक है, और बिल्कुल प्रिसाइज सेटिंग हमें मिल जाती है। फिर दूसरा बेनिफिट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इस मेथड का, और वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कार्बोरेटर ख़राब हो जाते हैं। जैसे जो मोस्ट कॉमन मेथड कार्बोरेटर सेटिंग का है जो आप अब तक देखते आए हैं, उसमें क्या होगा क्या होता है कई बार जैसे कार्बोरेटर ख़राब हो जाता है, तो ये जो स्क्रू होता है ये आप खोलते रहते हैं और लगातार जो है रेस बढ़ती रहती है। आपने देखा होगा कई बार तो ब्लैक स्मोक आने लगता है गाड़ी से, और उसके बावजूद जो है ये आप ओपन करते हैं और लगातार जो है रेस बढ़ती है। जैसे रेस को एक टाइम एक पॉइंट पर आके जो है कम हो जाना चाहिए रेस को, लेकिन जब कार्बोरेटर्स ख़राब हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है रेस लगातार बढ़ती रहती है। तो उन कार्बोरेटर्स में इस टाइप के मेथड से अगर आप सेटिंग करते हैं तो आपको सेटिंग 100% मिल जाती है, अचीव हो जाती है। गाइस, ये जो कार्बोरेटर एडजस्टमेंट है इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आपकी गाड़ी में इंजन जो है वो अच्छी कंडीशन में है। इंजन के साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, जो टायर है वो आपकी गाड़ी में फ्री चलना चाहिए, एयर फिल्टर साफ़ होना चाहिए, चेन जो है वो ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपको करेक्ट टायर प्रेशर मेंटेन रखना है। अब इंजन में आपकी गाड़ी का कंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, और जहाँ तक है स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टन होना चाहिए, क्योंकि ओवर साइज़ पिस्टन में जो है वो सिलेंडर का डायमीटर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से माइलेज कम हो जाता है। ठीक है, बाकी आपकी ड्राइविंग स्किल्स जो हैं वो मैटर करती हैं। सडन एक्सेलरेशन आपको कभी नहीं करना है बाइक में, सडन स्टॉप, या कई बार ऐसा होता है कि ज़रा सी देर के लिए आपको रुकना है कहीं पे और आपने बाइक को बंद कर दिया, तो बार बार अगर आप बाइक को ऑफ़ करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है। अच्छा, और मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं, तो ये केवल पायलट जेट को ही एडजस्ट करता है। पायलट जेट में जो फ्यूल जा रहा है इंजन में उसी को ये एडजस्ट करता है। पायलट जेट को स्लो जेट भी कहते हैं, तो उसी को ये एडजस्ट करता है। इसका मेन जेट से कोई कनेक्शन नहीं है, मेन जेट में जितना फ्यूल जाना है वो जाएगा, आप उसको बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये केवल स्लो जेट को ही एडजस्ट करता है। बाकी मैंने आपको बताया था कि आपको 5 से 6 किलोमीटर बाइक को रन क्यों करना है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी बाइक जो है कोल्ड स्टार्ट होती है तो उस समय आइडलिंग जो है वो 800 RPM की होती है, और बाद में जैसे ही इंजन गर्म हो जाता है तो वो आइडलिंग जो है वो 1400 RPM से ज़्यादा की हो जाती है। तो 5 से 6 किलोमीटर रन करने का फ़ायदा यही होता है कि 5 से 6 किलोमीटर में जितनी भी आइडलिंग बढ़नी होती है वो 5 से 6 किलोमीटर में बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमें बिल्कुल प्रिसाइज सेटिंग अचीव हो जाती है टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, तो ज़्यादा आइडलिंग नहीं बढ़ेगी। अगर 1400 RPM गर्म इंजन पे है तो ठंडे इंजन पे 1000 से 1200 RPM तक आइडलिंग रहेगी उसकी। अब
अब ये जो आइडलिंग है, बढ़ने की जो प्रॉब्लम है, इसके पीछे बहुत से रीजंस होते हैं, लेकिन जो कार्बोरेटर, ख़राब कार्बोरेटर एडजस्टमेंट है, ये भी उनमें से एक रीज़न होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।